दोस्तों, आज हम बात करेंगे इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश जो कि दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी में यानी कि गुलाम वंश में सुल्तान था, आज उसके बारे में हम बात करेंगे इल्तुतमिश के जीवन के बारे में, उसके आरंभिक जीवन के बारे में कि कैसे इल्तुतमिश ने एक गुलाम से लेकर के एक सुल्तान बनने तक का सफर तय किया। हम बात करेंगे उसके साम्राज्य के बारे में कि कहाँ तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था। हम बात करेंगे उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत में उसने अपने शासनकाल को चलाया। हम बात करेंगे उसके द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में और आखिर में हम ये भी बात करेंगे कि कैसे इल्तुतमिश की मृत्यु हुई। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस काम को सपोर्ट करें। आइए हम शुरू करते हैं। तो इल्तुतमिश, जिसको अल्तमिश कहकर के भी पुकारा जाता है, के पिता का नाम था इलाम खान और बताया ये जाता है कि इल्तुतमिश जो था अपने बचपन में बहुत ही सुंदर था और बहुत ही बुद्धिमान था और उसके इन्हीं गुणों के चलते उसके जो बाकी के भाई थे वो उससे जलन रखा करते थे और वो उसको पसंद नहीं करते थे और इसी कारण से उसके बाकी भाइयों ने इल्तुतमिश को गुलाम बनने के लिए बेच दिया था। हालांकि इल्तुतमिश का जो जन्म हुआ था वो एक अच्छे रईस परिवार में हुआ था, पर उसके भाइयों के जलन के चलते ही इल्तुतमिश को गुलाम बनने के लिए बेच दिया गया। और जब उसके भाइयों ने उसको गुलाम बनने के लिए बेच दिया, उसके बाद भी इल्तुतमिश को बहुत से लोगों ने खरीदा और बहुत से लोगों ने आगे बेचा, पर आखिरी में जो इल्तुतमिश का जो मास्टर था जिसका नाम जमालुद्दीन था, उसने इल्तुतमिश को जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच दिया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था, मोहम्मद गौरी के मरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ही दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना था और जमालुद्दीन ने जो है इल्तुतमिश और एक दूसरा गुलाम था जिसका नाम तमगज था, इन दोनों गुलामों को कुतुबुद्दीन ऐबक को 1,00,000 जीतल में बेच दिया था। और जीतल जो है उस समय पर करेंसी हुआ करती थी जो कि कॉपर की यानी कि तांबे की बना करती थी। और मोहम्मद गौरी के मरने के बाद मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन काल था वो बहुत ही कम समय तक रहा। वो सन 1206 से 1210 तक यानी महज 4 सालों में ही कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन जो है खत्म हो गया था। पर कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद जो है उसका बेटा आराम शाह जो है वो वहां पर दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना, पर ये बात जो है इल्तुतमिश को पसंद नहीं आई। उसका मानना था कि जिस प्रकार से मोहम्मद गौरी का जो गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक वो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना, उसी हिसाब से कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद मैं जो उसका गुलाम हूँ मुझको दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनना चाहिए। और इल्तुतमिश ने इसी बात के चलते जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे आराम शाह को युद्ध में ललकारा और सन 1211 में एक युद्ध हुआ जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ जूड़ का युद्ध हुआ और इस जूड़ के युद्ध में ही इल्तुतमिश ने आराम शाह को हरा दिया और दिल्ली सल्तनत को अपने कंट्रोल में कर लिया था। और इल्तुतमिश को ही जो है एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है, यानी कि दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वो इल्तुतमिश को ही माना जाता है। हालांकि दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना की थी, दिल्ली सल्तनत का जो फाउंडर था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, पर क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल बहुत कम समय के लिए था, महज 4 सालों के लिए उसका शासनकाल था, इसीलिए जो है उसके बाद जब इल्तुतमिश आया उसने उसके शासन को बखूबी संभाला और इसलिए उसको दिल्ली सल्तनत का एक्चुअल फाउंडर कहा जाता है। और इसी ने अपने शासनकाल में दिल्ली में बहुत से नए नियम कानूनों को अप्लाई किया, अपनी करेंसी को चलवाया और भी बहुत से काम किए, इसी कारण से इसको एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है। और इल्तुतमिश को जो है फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया की उपाधि भी दी जाती है, यानी कि भारत का जो पहला सुल्तान है वो भी इल्तुतमिश ही हुआ। हालांकि इससे पहले भी मोहम्मद गौरी और जो महमूद गजनवी थे उन्होंने अपने आप को सुल्तान कहलवाया था, परंतु जो इल्तुतमिश था इसको जो सुल्तान की उपाधि दी गई थी ये लीगली खलीफाओं के द्वारा दी गई थी। खलीफा जो कि बगदाद में रहा करते थे उन्हीं के द्वारा जो है सुल्तान की उपाधि इल्तुतमिश को दी गई थी, और जबकि मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी ने खुद से अपने आप को सुल्तान बुलवाया था। और एक और उपाधि जो इल्तुतमिश को दी जाती है वो दी जाती है स्लेव ऑफ स्लेव की, यानी कि गुलाम का भी गुलाम, क्योंकि इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक भी जो है मोहम्मद गौरी का ही एक गुलाम था, इसीलिए मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, यानी कि ये गुलाम का भी गुलाम था और इसीलिए इसको स्लेव ऑफ स्लेव की उपाधि भी दी जाती है। और इल्तुतमिश जो है इसने अपने शासनकाल में 2 तरीके के सिक्के चलवाए, उनमें से पहले का नाम है जीतल जो कि कॉपर से बनता था, और दूसरा सिक्का है टका जो कि गोल्ड से बनता था, जो कि सोने का होता था। और अगर आप देखें तो बांग्लादेश की जो आज के समय में करेंसी है वो टका ही है, और इन 2 प्रकार के सिक्कों को ही फिर दिल्ली सल्तनत में आगे इस्तेमाल किया जाने लगा।
और जो इल्तुतमिश ने एक और काम किया, उसने जो है इक्ता सिस्टम को दिल्ली सल्तनत में इम्प्लीमेंट किया। इक्ता सिस्टम के अंदर क्या हुआ करता था कि पूरी दिल्ली सल्तनत को जो है इसने कई सारे इक्तों में यानी कई सारे प्रांतों में इसने डिवाइड कर दिया था, और उन हरेक प्रांत के लिए इसने प्रांत के अधिकारियों को वहां पर नियुक्त किया था जिन्हें कि इक्तेदार कहा करते थे। और ये इक्तेदार वही होते थे जो कि इल्तुतमिश को मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करा करते थे। और इल्तुतमिश ने क्या किया, पूरी दिल्ली सल्तनत को इक्तों में डिवाइड कर दिया, और वो इक्ते जो है इसने अपने सिपाहियों को सैनिकों को दे दिए, और उन इक्तों का जो टैक्स आता था, उनसे जो कमाई होती थी वो उन सिपाहियों को मिलती थी, और वो जो सिपाही होते थे वो इस टैक्स के बदले, इस पैसे के बदले जो इनको मिलता था, उसके बदले में इल्तुतमिश को जो है मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कराया करते थे। और ये एक इक्ता और इक्तेदारी का सिस्टम जो है इल्तुतमिश के समय में चालू हुआ था। इल्तुतमिश ने एक और अपने एडमिनिस्ट्रेशन में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, और उसने क्या किया कि उसने अपने सबसे भरोसेमंद 40 लोगों को लिया और उसने एक दल चालीसा का निर्माण किया जिसको तुर्काने चहलगानी भी कहा करते हैं। और इस दल चालीसा में जो है 40 लोग हुआ करते थे जो कि इल्तुतमिश के सबसे भरोसेमंद लोग हुआ करते थे, और इन दल चालीसा के 40 लोगों के पास जो है बराबर पावर हुआ करती थी जितनी पावर वजीर के पास हुआ करती थी। इल्तुतमिश के समय में प्रधानमंत्री को जो है वजीर कहा करते थे, और वजीर के समान ही जितनी ताकत है वो इल्तुतमिश के इन 40 लोगों के समूह दल चालीसा के पास उतनी ही पावर हुआ करती थी। और यही जो है दल चालीसा आगे जाकर के कौन सुल्तान बनेगा कौन सुल्तान नहीं बनेगा, इस प्रकार के बड़े निर्णयों को भी यही कंट्रोल किया करते थे। यानी कि एक बहुत बड़ी पावर जो है इल्तुतमिश ने ये दल चालीसा के 40 लोगों के हाथ में दे रखी थी। और आइए बात कर लेते हैं इल्तुतमिश के द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के बारे में। और इल्तुतमिश का जो शासन काल था वो इतना आसान नहीं था इल्तुतमिश के लिए, क्योंकि जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक मरा, कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद बहुत से लोगों ने जो कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर थे, उसकी अधीनता में थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिया था, और उन सभी को कंट्रोल करने का काम अब इल्तुतमिश के हाथों में था। और इल्तुतमिश ने जो है दिल्ली सल्तनत की पावर को वापस से बनाने के लिए कई सारे कैंपेन्स को अपने समय में किया, जैसे कि उसने बदायूं को, अवध को, बनारस को और शिवालिक जैसे स्थानों को वापस से अपने कंट्रोल में ले लिया था। और एक गियासुद्दीन इवाज शाह नाम का भी एक शासक था जिसको कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत के ईस्टर्न पार्ट पर कंट्रोल दे रखा था, पर कुतुबुद्दीन ऐबक के मरते ही इसने भी जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश की, पर इसको भी जो है इल्तुतमिश दबाने में कामयाब रहा। और उसके बाद इल्तुतमिश ने बहुत से किलों को भी अपने कब्जे में किया, जैसे कि उसने रणथंबोर के किले को और फोर्ट ऑफ मैंडोरे को जो कि राजस्थान में है, इन दोनों किलों को भी अपने कब्जे में कर लिया था। और माना जाता है कि रणथंबोर का किला एक ऐसा किला था जिसको कि इनपेनिट्रेबल माना जाता है, यानी कि कोई भी उस किले को भेद नहीं सकता था, पर क्योंकि इल्तुतमिश के पास उस समय पर काफी ज्यादा पावर थी, इसी के चलते उसने भारत के कई सारे किलों को अपने कब्जे में कर लिया था। पर इल्तुतमिश जो है अकेला गुलाम नहीं था कि और भी गुलाम थे, जैसे कि यलदौज था, कुबाचा था, और कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद इन दोनों गुलामों को भी लगा कि इल्तुतमिश ही क्यों शासन को संभाले, हम भी शासन को संभाल सकते हैं। और इसी के चलते जो है सन 1215 में थर्ड बैटल ऑफ तराइन हुआ, यानी तराइन की तीसरी लड़ाई हुई, जो कि लड़ाई हुई दो गुलामों के बीच में, पहले का नाम था यलदौज और दूसरे का नाम था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश जो है इस लड़ाई को जीत गया। और जो दूसरा गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का, जिसका नाम था कुबाचा, और कुबाचा जो है इसके हाथ में सिंध, स्वस्तीन, बक्कार और मुल्तान जैसे बड़े बड़े राज्य थे, और कुबाचा ने जो है पंजाब को भी अपने कब्जे में करने की कोशिश की। और जब उसने पंजाब को भी अपने कब्जे में करने की कोशिश की, तब इल्तुतमिश ने सन 1217 में कुबाचा को भी हरा दिया, और इसी प्रकार से इसने पूरी दिल्ली सल्तनत को अपने कब्जे में कर लिया था। और एक और महत्वपूर्ण घटना भी जो है इल्तुतमिश के समय में हुई, और वो घटना ये थी कि चंगेज खान का भी जो आगमन था वो भारत में हुआ था। चंगेज खान जिसका कि नाम तिमुजीन था, और जो कि मंगोलिया का एक शासक था, और जिसको कि दुनिया के सबसे क्रूर राजाओं में एक राजा माना जाता है। और हालांकि चंगेज खान जो है भारत पर आक्रमण करने नहीं आया था, पर चंगेज खान एक आदमी के पीछे भागता हुआ आया था जिसका नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी। और जलालुद्दीन मंगबरनी के बारे में कहा जाता है कि इसने जो है चंगेज खान के भाई को मार दिया था, और भारत आ गया था ये शरण लेने के लिए। और जब मंगबरनी ने इल्तुतमिश के पास मदद मांगने के लिए संदेश भेजा, और जब इल्तुतमिश के पास इसने संदेश भेजा, तो चंगेज खान ने भी इल्तुतमिश के पास संदेश भेजा कि कुछ भी हो जाए
तुम्हें मंगबरनी की जो है मदद नहीं करनी, क्योंकि मंगबरनी को तो मैं मारकर ही रहूंगा, पर अगर तुमने उसकी मदद की तो मैं दिल्ली सल्तनत को भी तहस नहस करके रख दूंगा। और इल्तुतमिश ने जो है वहां पर समझदारी से काम किया और इल्तुतमिश ने जो है जलालुद्दीन मंगबरनी की मदद करने से साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि इल्तुतमिश खुद भी जानता था कि अगर वो जलालुद्दीन की मदद करेगा इसका मतलब उसको चंगेज खान से लड़ना होगा, और उस समय पर चंगेज खान के साथ कोई भी पंगा लेना नहीं चाहता था। और इल्तुतमिश के समय में, जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, भारत के इतने हिस्से पर इल्तुतमिश ने अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया था, और उसने जो है सन 1229 में अपनी जो राजधानी है उसको लाहौर से शिफ्ट करके दिल्ली में फिर से लेकर के आया था। और आइए बात करते हैं इल्तुतमिश के द्वारा बनवाई गई इमारतों के बारे में। तो इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में बहुत सी इमारतों को बनवाया था और बहुत से मंदिरों को, हिंदू मंदिरों को, जैन मंदिरों को तुड़वाया भी था। और इल्तुतमिश के द्वारा बनवाई गई पहली इमारत का नाम है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जिसका कि कंस्ट्रक्शन जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, पर उसको पूरा करवाने से पहले ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी और उसके इस काम को जो है इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। और बताया ये जाता है कि जो पूरा कुतुब कॉम्प्लेक्स है इसको बनवाने के लिए इल्तुतमिश ने और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़वाया था। दूसरी इमारत जिसको इन्होंने बनवाया उसका नाम था हौज़े शमशी, और हौज़े शमशी जो है एक तरीके का वाटर रिजर्वायर था जिसको कि शमशी तालाब के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी इमारत का नाम है गंधक की बावली, और गंधक की बावली जो है इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम के एक सूफी संत के लिए बनवाई थी। और एक और इमारत का निर्माण उसने करवाया था जिसका नाम है सुल्तान घारी, और सुल्तान घारी नाम की इस इमारत को भी इल्तुतमिश ने एक हिंदू मंदिर के ऊपर ही बनवाया था। और ये हिंदू मंदिर जो है सबसे पहले बनवाया गया था गुर्जर प्रतिहारा वंश के द्वारा, और उसके बाद जो है इसको तोड़वाकर और इसके ऊपर जो है इल्तुतमिश ने सुल्तान घारी का निर्माण करवाया था। और इसके अलावा और भी कई इमारतें जो है इल्तुतमिश ने अपने समय में बनवाई थी। और आइए बात करते हैं कि इल्तुतमिश की मृत्यु कैसे हुई। तो ये बात है सन 1236 की, जब इल्तुतमिश की तबीयत खराब हुई, और तबीयत खराब होने के कारण से इल्तुतमिश जो है किसी कैंपेन पर गया हुआ था, वहां से वापस दिल्ली लौट करके आया। और जैसे ही वो दिल्ली लौट करके आया, उसके दिल्ली लौटने के 10 दिन बाद ही 30 अप्रैल सन 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। और इल्तुतमिश को मरने के बाद दिल्ली में ही मेहरौली के अंदर जो कुतुब कॉम्प्लेक्स है वहां पर दफनाया गया। इल्तुतमिश जो है हमेशा से चाहता था अपने बेटे नसीरुद्दीन महमूद को अपने बाद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनाना, पर नसीरुद्दीन महमूद की किन्हीं कारणों के चलते इल्तुतमिश के सामने ही मृत्यु हो गई थी। सन 1229 में नसीरुद्दीन महमूद मारा गया था, और अब इल्तुतमिश को जो है ये डिसाइड करना था कि उसके मरने के बाद कौन उसके शासनकाल को संभालेगा। तो इल्तुतमिश ने जो है अपने बाकी बेटों को तो अपने शासन को संभालने के लिए अयोग्य जाना, क्योंकि वो जानता था कि मेरे जो बाकी बेटे हैं ये एकदम अय्याश टाइप के हैं, वो खाने पीने मौज मस्ती में ही पूरा समय बिजी रहते थे। और इसी कारण से इल्तुतमिश ने जो है अपने मरने से पहले अपना उत्तराधिकारी, अपनी बेटी को जिसका नाम रजिया सुल्तान था, उसको घोषित किया। और इल्तुतमिश के मरने के बाद दिल्ली सल्तनत में रजिया सुल्तान ही शासन करने के लिए आईं। और यही थी इल्तुतमिश के पूरे जीवन की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।